दुनिया का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण, क्या करें क्या नहीं, किस देव की पूजा ग्रहण के दुष्प्रभाव से रखती है दूर, किन चीजों का करे दान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण काल के दौरान शुभ मांगलिक कार्य प्रतिबंधित होते हैं, इष्ट देव की पूजा, सफेद वस्तुओं का दान शुभ होता है। आइए आपको बताते हैं कि ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार सफेद रंग चंद्रमा से जुड़ा है। मान्यता है कि सफेद वस्तुओं के दान से चंद्रमा दोष मिटता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चावल का दान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि 19 नवंबर को लगने जा रहे इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव बेहद कम रह सकता है। ऐसे में वर्जित बताए गए कामों पर पाबंदी भी बहुत ही जरूरी नहीं है, मगर धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही मतों में ग्रहण का शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि ग्रहण के दौरान किन वस्तुओं का, मतलब किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, जो वस्त्र पहने हैं उसे निकाल देना चाहिए, उसे धो देना चाहिए। ग्रहण के काल में इष्ट देवता का ध्यान और उनके मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद आप खुद मनीषा हैं, मतलब आप लोग बुद्धिजीवी हैं, तो चंद्र ग्रहण के बाद अन्न का दान, खास तौर पर चावल दान पुण्य देता है। ग्रहण से पहले बने भोजन रखे पानी को हटाएं, ताजा भोजन ही खाएं। ग्रहण के बाद गाय को घास, पक्षियों को दाना, गरीबों को वस्त्र दान काफी शुभ है। चंद्र ग्रहण के वक्त यह काम बिल्कुल नहीं करें, क्या है आइए आपको बताते हैं। फूल और पत्ती तोड़ना ग्रहण के दौरान बिल्कुल वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, इससे सोने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है, लंबे समय तक रोगी बना रहता है। ग्रहण की पूरी समयावधि के दौरान भोजन बनाना या खाना भी वर्जित है। ग्रहण में इन चीजों के दान से मिलेगा आपको लाभ और आपकी जो भी समस्या है उससे भी आप निजात पाएंगे। नौकरी में अगर परेशानी है तो आप या परिवार का कोई सदस्य नौकरी की परेशानी अगर झेल रहा है तो इस ग्रहण काल के बाद सफेद मोती या सफेद मोती से बने आभूषणों को दान करें। अगर बीमारी है तो परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है तो ग्रहण काल के दौरान कांच बाउल में चांदी का सिक्का डालकर पानी भर दें। बीमार व्यक्ति पानी में अपना चेहरा देखे, अपना शकल देखे और ग्रहण बाद दान दे। धन चावल और दूध समृद्धि का सूचक है। ग्रहण काल के दौरान चावल, दूध या इनसे बनी चीज दान करें, इससे नारायण और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए यह आवश्यक है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर नकारात्मकता है घर में अगर क्लेश बना रहता है तो ग्रहण काल के दौरान चीनी दान करें, इससे नकारात्मकता दूर होती है। सफेद कपड़ों का दान, घर में शुभता आती है यह दान करने से। संतान, आपके जीवन में संतान की कमी है तो ग्रहण काल के दौरान दूध, खिलौने और वस्त्र को किसी जरूरतमंद बच्चे को दान करें और निश्चित रूप से उस दिन स्नान करने वाले जल में आप थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करें। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा से संबंधित चीजों का जितना आप दान कर सकते हैं, श्वेत चीजों का दान करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।